खूबसूरत जगह आप जो देख रहे हैं, देखने से तो खूबसूरत लग ही रहा होगा, अगर हम इसको बोलें कि ये खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, मन को मोहने वाला है, मनमोहक है, तो आप खुद देख लीजिए, आपको खुद दिखाई देगा। ये जो प्रकृति की खूबसूरती है, इन पेड़ पौधों की हरियाली है, हवाएं तो केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं उसकी ठंडक को, जो हमारे फेस को, हमारे चेहरे को टच कर रही है, उसको हम ही लोग महसूस कर सकते हैं, उसको तो आप लोग महसूस कर नहीं सकते, लेकिन हरियाली जो आपको दिखाई दे रही है ये आप महसूस कर सकते हैं। दूर तक दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, चारों तरफ इलाका हरा भरा, खूबसूरत, मन को मोहने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, मन को खूबसूरत लगने वाला, मन को भाने वाला। तो अब इस मोमेंट को, ऐसे खूबसूरत दृश्य को, प्रकृति की इस मनोरम छवि को, छटा को अगर हम अपने कैमरे में कैद ना करें तो बिल्कुल वो गलत होगा, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अभी क्योंकि जर्नी स्टार्ट होती है तो जर्नी ख़त्म भी होती है। अभी हम लोग जर्नी स्टार्ट किए हैं, जा रहे हैं, अभी ख़त्म भी हो जाएगी, बट कैमरे में कैद कर लेंगे तो ये हमें हमेशा के लिए ये कैद हो जाएगी। ठीक है, सामने देखिए ये सब हरियाली, घना जंगल जैसा, हमारे गजब मजा आ गया। और अभी बारिश की बूंदें जो है आनी शुरू हो गई है, यहाँ बारिश भी अक्सर होती रहती है, ऐसा जो है सुनने को समझने को मिल रहा है कि अभी बारिश की बूंदें थोड़ी थोड़ी आने लगी है, और बादल, हाँ बारिश हो रही है, हमारे हाथ पर बारिश पड़ रही है क्योंकि मेरा हाथ उसके बाहर है। जी, मैंने अपने हाथ को बाहर निकाला है, मेरा कैमरा भी बाहर है। तो ये जो है अभी हम लोग एक्चुअली काफ़ी ऊंचाई पर है, तो पहले जब भी हम लोग नीचे काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं थे, बट एट दिस वेरी मोमेंट हम लोग बहुत ऊंचाई पर है, काफ़ी ऊंचाई पर है, क्योंकि नीचे घाटी दिखाई दे रही है। तो हम लोगों के लिए बहुत थ्रिलिंग है, बहुत एक्साइटिंग है, हमारी आवाज़ से, हमारे अंदाज से महसूस हो रहा होगा कि कितना खुश हैं, कितना एक्साइटेड हैं, कितना थ्रिल्ड महसूस कर रहे हैं हम लोग। और बस ये अनंत अनंत खूबसूरती, इसको अनंत खूबसूरती कह सकते हैं, अनलिमिटेड प्लेसर एंड अनलिमिटेड ब्यूटीफुल ब्यूटी, वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू विटनेस सच अ वंडरफुल ब्यूटीफुल प्लेस दैट इज। अब इधर देखिए, इधर गहराई, काफ़ी गहराई है, पीछे खाई है और हम लोग थोड़ा ऊंचाई पर हैं, तो निश्चित रूप से मेमोरेबल एंड मिसमराइजिंग प्लेस द कुर्ग डिस्ट्रिक्ट एंड कडोगा कुडगू एरिया, और उसका जो काफ़ी ऊंचाई का प्लेस हम लोग इधर जा रहे हैं, वो एक वाटरफॉल है, उसको टारगेट करके जा रहे हैं, मगर रास्ते को ज़रूर कवर करेंगे हम अपने इस कैमरे में, हमेशा के लिए कैद करेंगे, क्योंकि ये जो नज़ारा है अभी हम इसको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट जैसे ही हम घर पे चले जाएंगे तो ये केवल याद में रह जाएगी, हम इसको देख नहीं पाएंगे, बट अभी इसको कैमरे में कैद करेंगे तो बाद में इसको हम फिर से देखेंगे, बार बार देखेंगे और फील करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर बसेस, देखिए इससे तंग रास्ते पर बसेस भी हैं, क्योंकि यह यात्रियों के लिए बहुत यात्रियों के लिए बरसात होने लगी। मैं अभी इस खिड़की को बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये बारिश हो रही है, बारिश आप शीशे पर देख सकते हैं, बारिश के बूंदों से जो धार बन गई है। तो निश्चित रूप से बेमिसाल, बेजोड़, लाजवाब, इसकी कोई सानी नहीं, इसकी कोई जोड़ नहीं है, आप यहाँ पर आकर ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, वरना मैं तो कैमरे में कैद कर रहा हूँ, जब भी देखना चाहे आप देख सकते हैं। बारिश तेज़ हो गई है, काफ़ी तेज़ हो गई है बारिश, अब बारिश जो थोड़ी सी खिड़की खुली हुई है उससे होकर अब शायद थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो जाए, बट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खूबसूरत जगह पर और खूबसूरत बारिश की ठंडक जब शरीर को छूती है तो मन आह्लादित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है और खुश हो जाता है। निश्चित रूप से वैसा ही हम लोग महसूस कर रहे हैं, बट
ये जो सफर है खुशी को सेलिब्रेट करने का, इस मौसम को एंजॉय करने का, प्रकृति की खूबसूरती को जीने का, और हमारे मित्र लोग जो है वो भी खुश हो रहे हैं, अपने जो है लव जो से गाने का प्रयास कर रहे हैं, गीत निकल रहे हैं। आप समझ सकते हैं गीत कब निकलते हैं, जब मन खुश होता है। तो चलिए मैं इनसे थोड़ा सा रूबरू होता हूँ, थोड़ी सी बातें करता हूँ। मिस्टर मनीष जी, अभी हम पिछली बार आपसे रूबरू हुए थे कुछ जगह पर, फिर एक बार हम इस जगह पर, हम लोग अभी तो जर्नी में हैं, तो इस जगह के विषय में आप क्या कहोगे जिधर आप चल रहे हैं? आप देख सकते हैं अपने दाहिने और बाएं दोनों तरफ लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे विशालकाय वृक्ष हैं जी। और थोड़ी ही देर पहले हम लोगों ने कॉफी के प्लांटेशन को पार किया था, और अभी भी कॉफी के प्लांटेशन यहाँ नीचे की तरफ दिख रहे हैं। जी जी जी, कर्नाटका कॉफी के प्लांटेशन के लिए फेमस है। और अभी जिस रास्ते पे जा रहे हैं, मदाईगिरी, क्या मदाईगिरी करके जो जगह का नाम है, वो मूल रूप से कॉफी प्लांटेशन के लिए ही फेमस है। वेरी गुड वेरी गुड। इसी के रोड रास्ते पे है, और रास्ते को खूबसूरत ये बारिश और बना रही है जी। ऐसा लग रहा है कि बरसात के मौसम में गाने का मन हो रहा है। नहीं, वेरी नाइस, बारिश आया जी जी। बाकी अगली लाइन तो कहना नहीं चाहता, बस इच्छा वैसी ही हो रही है। इच्छा वैसी हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल शानदार। और वहीं तरफ पहाड़ियों का मनोरम दृश्य है जो बरबस आपके मन को मोह लेती है, और ये बरसात की जो ध्वनि गाड़ी के, काफी तेजी बारिश हो, बारिश काफी तेज हो गई है, वो इसकी जो बारिश की जो बूंदें हैं वो मन में बड़ा, मतलब मन को गुदगुदा रही है। हालांकि पड़ तो नहीं है शरीर पे, लेकिन ये एहसास दे रही है कि हमें छू के निकल रही है। एहसास महत्वपूर्ण है, एहसास है। मैं रूबरू होना चाहूँगा हमारे अग्रज बड़े भाई मिस्टर बीएल जी सरन जी से। अभी आप इस जगह के विषय में, जिस सफर में जा रहे हैं, जो आसपास का नजारा है, उसके विषय में थोड़ा सा अपने साहित्यिक अंदाज में कुछ बात बोलिए। बस लग रहा है मन गुदगुदा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि उसको गुदगुदाने दिया जाए। आपसे और आपके माध्यम से श्रोताओं से बाद में भी रूबरू होंगे, लेकिन ये नज़ारा यदि निकल गया और ये नजरें चूक गई तो बहुत कुछ खो देंगे। बहुत सही, तो खोना नहीं चाहते। जी 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 जी, ये शानदार, ये नीचे का आप बिल्कुल बादलों में घूम रहे हैं। जी जी जी, बादल फील कर पा रहे हैं। तो आप इनके जो है चेहरे के एक्सप्रेशन से, इनकी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है, और एहसास भी बेमिसाल है। यानी कि चूकना नहीं चाहते कि हम बातों में अपना समय नहीं गंवाएंगे, हम पहले तो इसको आँखों से और एहसास से पूरा का पूरा इसको एंजॉय करेंगे, बाकी बातें बाद में कर लेंगे कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा। पलकों में अभी दबा लेंगे, अधरों से फिर व्यक्त करेंगे। हाँ, कह रहे हैं कि पलकों में अभी हम दबा लेंगे, फिर अधरों से बाद में व्यक्त करेंगे, पहले तो हम इसको जी लेंगे, जी भर के जितना हो सकता है। सो द मोस्ट मेसमराइजिंग, हिप्नोटाइजिंग, ब्यूटीफुल, वंडरफुल प्लेस, एक्सेलेंट प्लेस टू विजिट। अभी बारिश भी काफ़ी तेज हो चुकी है, तो रियली इट्स अ सूदिंग टू द आइस, एंड इट्स जस्ट लाइक बाम टू आवर माइंड एंड सोल, टू आवर हार्ट। सो श्योर विजिट इफ यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड। फ्रेंड्स, आई जस्ट अपील, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, यू जस्ट कम टू दिस वंडरफुल डिवाइन प्लेस इफ यू गेट इवन स्मॉल टाइम फ्रॉम योर बिजी लाइफ विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच, आई विल अगेन बी जस्ट विद यू, because the video will be too long and it will become boring, so I am just concluding over here. Thank you very much. Thank you.